सो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। अब देखो, अभी भी हमारा इस सीजन में 14 दिन का टाइम बचा है, ठीक है। उसको 14 नहीं, केवल 10 दिन का टाइम मानोगे फिर भी आपका कॉन्कर हो जाएगा। जो बंदे हैं एस पे उसका भी कॉन्कर हो जाएगा, फिर जो बंदे एस मास्टर पे हैं उनका तो हो ही जाएगा। देखो अगर भाई यहाँ पे जो बंदे एस हैं वो ना ही करें तो बेटर है, अगले सीजन में कर देना यार, क्योंकि सीन ये है कि बार बार आपका माइनस होगा बिना मतलब का। मेहनत करोगे नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। सर्वर फिर दल्ले तो आ ही रहे हैं, तो जिसका एस मास्टर है भाई अभी 10 दिन का टाइम है, 14 दिन का टाइम है, तो आप खुल के ट्राई करो, ठीक है, आपका हो जाएगा। गिव अप वगैरह मत करो यार, डेली का 50 प्लस करोगे तो भी हो ही जाएगा। बाकी बात करें हमारे गेम प्ले के बारे में, भैया कसम से जो ही जोरदार गेम प्ले है। लास्ट के सर्कल में यहाँ पे भाई 29 बंदे बचे थे डेथ सर्कल में, सोच सकते हो। फिर उसमें जो है मैंने निकाला है चिकन, तो भाई समझ सकते हो किस लेवल का गेम प्ले। और भाई डोमिनेशन भी लास्ट के सर्कल में काफी तगड़े वाला दिखाया हूं, तो जिसके लिए प्लीज यार पहले से लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। हर कोई ना लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगी, बस वीडियो आप पूरा देख लो, ठीक है। वीडियो पूरा देख लो, लाइक सब्सक्राइब करने को मजबूर हो जाओगे। चलो भैया जी हेलो, थोड़ा पीछे भी देख लेना था यार, इनको मार के किल हो जाते हैं हम। देखो यहाँ पे सीन क्या हुआ, जहाज पे एक बंदा था, ठीक है, उसको देखने के लिए आता हूँ, तभी लेफ्ट में एक बंदा यहाँ पे स्पॉट हो जाता है, तो यहाँ पे रुक जाता हूँ। मैं सोचा नेट से फोड़ा जाए, तभी भाई यहाँ पे अपना वाईफाई का नेटवर्क ही भाग जाता है। मैं सोचा भाई ये क्या सीन है। वैसे आज मेरे साथ पूरा दिन ना यही सीन हो रहा था कि भाई नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। भाई ये जियो का जो मेरा फोन का नेटवर्क है उसका भी ऐसे हो रहा था, और भाई जियो का ही वाईफाई उसका भी ऐसे ही हो रहा था। खैर कोई ना, यहाँ पे जैसे नेटवर्क आता है अपना पिट जाते हैं, पेटी बन जाती है, तो दिक्कत की कोई बात है नहीं। एक किल निकल गया था, खैर दिक्कत की तो बात है, बट दिक्कत की बात कोई नहीं है, क्योंकि भाई इस मैच में निकालूंगा अच्छे खासे डोमिनेशन के साथ चिकन। अब देखो आता हूँ मिलिट्री बेस में, लैंड करता हूँ, पूरा यहाँ पे लूट पाट के कम्प्लीट करता हूँ, तभी यहाँ पे आती है एक बग्गी। फिर ये स्प्रे देख लो, मैं बस कुछ नहीं बोलूंगा भाई, जो हुआ सो हुआ, लाइक कर दो, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 किल हो जाते हैं। अब देखो इसको जैसे ही मारता हूँ ना, मैं सोचा ठीक है स्मोक वगैरह करके लूटा जाए, बट लूट ही रहा होता हूँ ना, फिर देखो क्या सीन होता है। अब देखो यहाँ पे मेरे को साउंड आ गया था, ये भैया जी उड़ के आ रहे हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सीन ऐसा है, जब मैं नेड कर रहा होता हूँ ना, तो भाई यहाँ पे हल्का सा जंप करने का साउंड आता है, मुझे लगा बंदा नीचे आ गया। इसलिए नेट इधर फेंक देता हूँ। अब बोट आता है, बोट को भाई इस बंदे ने मार दिया, ठीक है। अब मैं सोचा ठीक है इसको भी मारते इधर पे नेट करके। अब मुझे पता था नेट करूंगा तो बंदा नीचे उतरेगा ही उतरेगा, सीन देखो। फिर अरे भाई यहाँ पे एक टाइम पे अपने को ऐसा लगा कि बस बस अपनी पेटी बनने ही वाली है, बट एट लास्ट इसको फिनिश कर लेते हैं, हेडशॉट मार दिया, नहीं तो भाई क्या पता अपनी ही पेटी पड़ी होती उधर पे, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे सीन ऐसा है, मुझे पता था बंदा रिकॉल होके आया है, तो उसके पास केवल एक ही गन होगा, ठीक है। जब एक ही गन है तो भाई आराम से रिलोड होने का वेट करो, आराम से मार दो, ठीक है। बट यहाँ पे सीन ऐसा कुछ हुआ कि भाई मेरा बंदा जो है देख लो कैसे झुक के भाग रहा था, सुमड़ी में खड़ा ही नहीं हो रहा था। खैर कोई ना, फिनिश कर दिए हो जाते हैं हमारे यहाँ पे जितने भी किल हो गए, तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या ही चाहिए। अब देख लो यहाँ पे अपने वाईफाई का यही सीन है भाई, बार बार नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। खैर यहाँ पे नेटवर्क जैसे ही वापस आता है, देखता हूँ भाई यहाँ पे सारा चीज ग्लिच वगैरह, देख लो क्या ही सीन हो रहा है भाई। भाई डिवाइस इतना आजकल, आईफोन भी इतना टट्टी हो गया है ना, मैं क्या ही बताऊं। खैर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करोगे तो मैं दूसरा डिवाइस लूंगा। अब यहाँ पे आप सीन देखो, जैसे ही नेटवर्क वापस आता है सामने बोट आ जाता है, भाई टाइमिंग देखो। अब यहाँ पे ये तो अच्छा हुआ कि भाई सही टाइम पे नेटवर्क आ गया, नहीं तो भाई बोट ने अपनी पेटी बना ही दिया था। अब देखो यहाँ पे भाई अपना स्कोप वगैरह सब ब्लीच हो रखा था, तो आता हूँ यहाँ पे अंदर शांति से रिस्टार्ट वगैरह करता हूँ तो सही हो जाता है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं जिस बंदे को अगले सीजन में कॉन्कर करना है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी और आपको कैसे खेलना है, ठीक है। अब देखो अभी भी यहाँ पे 2 वीक का टाइम है, तो आप ट्राई करो इसी सीजन में ना आप एस कर लो, ताकि अगले सीजन में आपको जो है प्लेटिनम टायर पर फेंके। अगर प्लेटिनम टायर पर फेंकेगा तो भाई आप ना day 1 से day 5 तक आराम से इजी कॉन्कर कर लोगे, ठीक है। बाकी डेली का कितना प्लस करना है वो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा, और एस पे कॉन्कर कब तक रहता है ये सारी वीडियो जाके आएगी, तो जिसके लिए प्लीज लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करके रखो, ठीक है। बाकी बात करते हैं कि भाई आपको नेक्स्ट सीजन में अपडेट के हिसाब से कॉन्कर करना किसमें है, सोलो, डुओ, स्क्वाड, टीपीपी या एफपीपी, ठीक है। अब सीन ऐसा है, जिस बंदों का लो एंड डिवाइस होगा ना, वो ट्राई कर देना कि भाई सोलो एफपीपी में ही करना, ठीक है, क्योंकि सोलो एफपीपी सबसे ज्यादा
ज्यादा इजी रहेगा। और जिस हिसाब का अपडेट है ना सोलो वालों के लिए तो एकदम से बेस्ट है। बाकी देखो अगर आपके पास अच्छा खासा स्क्वाड है, ठीक है, स्क्वाड में खेलने का आदत है और टीममेट लोगों से अच्छा आपका इंटरेक्शन है, बढ़िया सिनर्जी है, तो जाके खेल लो, ठीक है। बट उनसे थोड़ा सा ऐसा सीन करवा लो कि भाई जब आप रैंक पुश कर रहे हो ना तो छोड़ के भागो मत प्लीज। और यहाँ पे डुओ में भी आप जा सकते हो, अगर आपका गेम प्ले वगैरह अच्छा है तो डुओ स्क्वाड दोनों कर सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे डिवाइस भी मैटर करता है, अगर आपके पास अच्छा खासा डिवाइस नहीं है तो भाई आप स्क्वाड और डुओ में कितना भी ट्राई करोगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी स्क्वाड का FPP करना है तो ना उसमें आप जरूर कर लोगे, स्क्वाड का डुओ करना है तो उसमें आप जरूर कर लोगे, चाहे आपका लो एंड डिवाइस ही क्यों ना हो। अब यार यहाँ पे TPP में हम लोग का आईफोन इतना हग रहा है तो भाई आप लोग का लो एंड डिवाइस की भाई मैं बात ही क्या करूँ यार। अब देखो यहाँ पे जिस बंदे को फर्स्ट टाइम कॉन्कर करना है तो वो सोलो TPP या FPP दोनों में ट्राई कर सकता है, ठीक है। TPP में क्या सीन है कि भाई आपका जो मैचिंग है ना एकदम से लास्ट तक चलेगा तो आपका इजी कॉन्कर हो ही जाएगा, ठीक है। भले ही यहाँ पे बीच में माइनस प्लस होगा, अगर आप रैंक पुश कर रहे हो ना तो ये बातें जरूर ख्याल रखना कि हाँ मेरा माइनस वगैरह होगा तो उस बात से डिमोटिवेट वगैरह नहीं होने का, ठीक है। सबका होता है माइनस। और भाई आप FPP में भी जा सकते हो अगर आपको FPP खेलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ बंदों को FPP खेलने में क्यों अच्छा नहीं लगता यार, मुझे तो बहुत एकदम से प्यारा लगता है, मजा आता है FPP खेलने में। और भाई वहां पे ना इजी कॉन्कर हो भी जाता है। बाकी जिस बंदे को यार FPP खेलने में थोड़ा सा मतलब सर चकरा जाता है, कई बंदों को ऐसा होता है कि यार मेरा सर चकराने लगता है FPP खेलने में, तो आप कोई ना आप सोलो TPP ही खेलो, आराम से आप कॉन्कर कर लोगे। बाकी यार मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करके भी रखो क्योंकि सोलो FPP TPP दोनों का ही गेम प्ले डालता हूँ, दोनों का ही स्टडी बताऊंगा और आपका फुल हेल्प करूंगा कि भाई जल्दी से जल्दी आपका कॉन्कर हो जाए। खैर अब आपको लग रहा होगा कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, बट भाई बहुत टाइम नहीं है, ठीक है। झट से पट से अगला सीजन आ जाएगा तो आप ट्राई करो, आप इसी सीजन में यहाँ पे जाके प्लेटिनम कर लोगे, ठीक है, नहीं तो भाई आपको ही दिक्कत होगा। चलो बढ़ते हैं सीधा हमारे गेम प्ले की तरफ। बाकी आपका ये वाला डाउट भी अगर क्लियर हो गया हो तो भाई वीडियो पर क्लिक करो, ठीक है। आप ऊपर से ही वीडियो मत देख लिया करो कि भाई यहीं पे स्पीकर ऑन करे, स्क्रॉल करके स्पीकर ऑन किया और वीडियो देख लिया, थोड़ा सा क्लिक करके वीडियो पे वीडियो के अंदर जाया करो, अंदर से देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो और ऐड भी पूरे देख लिया करो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। उससे यार मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा इन द सेंस कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब देखो जैसे कल की ही वीडियो की बात कर लें, वहाँ पे आप लोग ने काफ़ी बंदों ने लाइक किया है, लगभग 300 बंदों ने लाइक किया है, तो भाई उस वीडियो का रिच देख लो और उसके एक दिन पहले का वीडियो रिच देख लो, दोनों को भाई वहाँ पे आप कंबाइन मतलब क्या कहते हैं उसको कंपेयर कर लो और देख लो कि भाई रिच किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। अब देखो यहाँ पे बनता है डेथ सर्कल, ठीक है, अभी भी यहाँ पे 29 बंदे बचे हैं और मेरे किल है यहाँ पे 4, बट देखो लास्ट के चलते चलते कितने किल्स दिखाऊंगा। वैसे इंट्रो से तो आपको पता ही चल गया होगा कि भाई कितने किल्स करने वाला हूँ। खैर यहाँ पे सीन देखो, एक बंदा था अपार्टमेंट की साइड, मैं सोचा वो निकलेगा तो उसको मारूंगा और भाई वो बंदा निकल के भी चला जाता है। जैसे मुझे पता चलता है कि अरे ये तो डेथ सर्कल है, यहाँ पे 29 अच्छे खासे बंदे बचे हैं, मैप खोल के देखता हूँ, फिर मैं सोचा भाई चलो इस मैच में तो चिकन करना ही है, टॉप 10 तो सर्वाइव हो जाएगा, वो तो मैं कर लेता हूँ हॉट लोबियों में, ठीक है। बाकी यार इस मैच में अगर चिकन कर लिया तो भाई बल्ले बल्ले होंगे। अब देखो सीन क्या हो गया, मुझे पता था यहाँ पे सामने शेख है बट शेख पे ऑलरेडी गाड़ी खड़ी थी तो मैं सोचा ठीक है ये वाला वास्ट और देख लिया जाए, अगर खाली होगा तो यहाँ पे आराम से होल्ड करेंगे। खाली भी था, अब ऊपर जाने की गलती इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई क्या पता ऊपर कोई बंदा कैंप करके बैठा होता और भाई अपना यहाँ पे मोह में कर देता, सामने बंदा दिखता है भाई बस्ट मारता हूं लेकिन बस्ट में केवल एक बॉडी शॉट कनेक्ट हुआ, हेडशॉट कनेक्ट होता तो क्या पता बंदा फिनिश हो ही जाता। अब देखो ऐसे हार्ड लॉबी में ना आपको करना क्या है, बट शांति से बस पोजीशन निकालना है, ठीक है। बाकी देख लो वो बंदा भी अपने स्प्रे किया जा रहा था बट उसको लास्ट में मारेंगे। और अगर आपके पास अच्छा खासा पोजीशन है लास्ट के सर्कल में तो भाई ऐसे फ्री के किल आपको मिलते ही रहेंगे। यहाँ पे इस बंदे को मार के हमारे 5 किल हो जाते हैं, तभी एक और बग्गी आती है। अब देखो सीन ऐसा है मेरे पास 3x है, ठीक है, 3x मैं जल्दी यूज नहीं करता, ऊपर से यहाँ पे भाई एक भी अटैचमेंट नहीं है फिर भी स्प्रे कर रहा हूँ अच्छा खासा, तो लाइक सब्सक्राइब कर ही सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपके पास से जितने भी रोटेशन जाए ना हर एक बंदे पे स्प्रे लिया करो, क्या पता एक आठ हेडशॉट कनेक्ट हो जाए बंदा फिनिश हो जाए। वैसे यहाँ पे मेरा एक बॉडी शॉट कनेक्ट हो गया था, क्या पता हेडशॉट ही कनेक्ट हो जाता। अब ये नाम पढ़ लो दोनित गेमिंग, भाई यही बंदा जो है सामने को अपने को बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब ये निकलने लगता है, मैं सोचा इसको उतार दूंगा बट कोई ना,
स्प्रे तो खैर अच्छा नहीं था इस टाइम पे। खैर इस बंदे की गाड़ी को अच्छा खासा डैमेज कर दिया और भाई यहाँ पे पंचर वगैरह कर दिया फिर सामने। चलो इन भैया जी को मार के हमारे 7 किल अच्छे खासे हो जाते हैं। अब यहाँ पे बचे थे सामने बंदे 4, एक तो ऊपर के साइड था जो कि जोन के बाहर से मुझे लगा अंदर आएगा ही आएगा, और मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा जोन के बाहर था। वैसे ये वाला स्प्रे आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना यार। खैर यहाँ पे इनको मार के हमारे 8 किल हो जाते हैं। अब बचे हैं सामने बंदे 2, दोनों का लोकेशन मुझे पता नहीं था और शायद वो बंदे भी यहाँ पे जोन के बाहर होंगे क्योंकि भाई जोन के अंदर कोई बंदा दिख नहीं रहा था, मैं तो जोन के बाहर था ही। खैर आगे आता हूँ। अब सामने मुझे स्मोक दिख गया तो मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। बाकी दूसरे बंदे का लोकेशन अभी पता नहीं था जो कि कुछ ही देर में पता चल जाता है। चलो यहाँ पे स्मोक जैसे ही दिखा मुझे पता चल गया बंदा इधर ही पे होगा, फिर यहाँ पे पोर्टल भी दिख जाता है। चलो अब दोनों बंदों का पोजीशन मुझे पता है तो भाई चिकन अपना एकदम से कंफर्म है। भाई पैर दिख रहा था बट अच्छा खासा डैमेज कर दिया, लेकिन यार बंदा फिनिश नहीं होता। फिर मैं सोचा चलो ये वाला नेड फेंको। अब ये वाला नेड देखो, अगर नेड अच्छा लगा हो ना तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब कर देना। वैसे नेड अच्छा क्यों नहीं लगेगा पहले मेरे को ये बताओ। अब सामने वाला बंदा का मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि कहीं सामने ही होगा, बट डर लग रहा था कहीं ये रोटेशन ना ले लिया हो। और ये रहता है वही धोनी तो गेमिंग करके। फिर देखो ये वाला स्प्रे, बंदा स्पॉट हो गया। खैर ये वाला स्प्रे भी आपको अच्छा ही लगना चाहिए था क्योंकि भाई इतना अच्छा मारा जो है यार। खैर यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा इतने हार्ड लॉबी में चिकन डिनर हो गया, तो भाई इसके लिए तो लाइक सब्सक्राइब कर ही सकते हो। खैर नहीं करोगे, ठीक है, मुझे पता है आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे कितना भी बोल लूँ। जिसको करना है वो कर ही देगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा। खैर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी बार बार मैं बोलता ही हूँ कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय।